तो यार सबसे पहले तो ये निकालते हैं। हाँ तो भैया उठ चुके हैं, गुड मॉर्निंग हो चुकी है और ब्रेकफास्ट हमारा आ चुका है। मतलब इतने से तो कुछ होने वाला है नहीं, बट कोई बात नहीं। तो यार सबसे पहले आप लोगों को भी ये टाइमलाइन का बताना है। तो सत श्रीकाल सारे, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भैया ऐसा है कि ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा जो अभी 26 को वीडियो आई है उसका पूरा बैकग्राउंड अलग था, जगह अलग थी एकदम से। भैया ये यहाँ पर कैसे टपक गए? तो ऐसा है कि जो 26 को वीडियो आई थी आई है वो शूट बहुत मतलब 1-2 हफ्ते पहले हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को मतलब टेस्ट नहीं कराया था, कोरोना हो गया था, सारे सिम्टम्स थे एंड आई वॉज वेरी सिक, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत थी। तो ऑल दो डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि भैया आपको ज़्यादा टेम्परेचर हो तो आप टेस्ट करवाना, तो आई वॉज़ नॉट एबल टू एडिट एनी थिंग। ऑल दो मैंने जब जो 26 की वीडियो आई थी जो किच्छा मिल की, उसको डालना पहले ही चाहता था, लेकिन मेरा ये हो गया था कि डाल दूंगा फिर से 1 हफ्ते का ब्रेक आ जाएगा बिकॉज आई एम विल आई विल नॉट बी एबल टू व्लॉग। तो भैया अब डेली व्लॉग शुरू कर दिए। आई एम सिटिंग एट माई होम, पहले मैं फार्म में था, अब मैं अपने घर आ गया हूँ मॉम डैड के साथ। मॉम यहाँ पर है, पापा यहाँ पर नहीं है। देखो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर में तुम्हें टॉर्चर सहना पड़ता है तो ये देखो हमें कच्ची गाजर खानी पड़ती है, ठीक है? और ये पूरा हिसाब किताब इनको जाता है, ठीक है? तो भैया अगर किसी छोटा बच्चा देख रहा है और उसको लगता है कि भैया मुझे सब्जियां खानी पड़ती हैं, केले खाने पड़ते हैं, तो भैया हमें कच्ची गाजर खानी पड़ती है ब्रेकफास्ट में। तो तुम सही रह रहे हो, ठीक है? दुनिया में बहुत अत्याचार हो रहा है, तो समझ जाओ। नहीं यार जोक्स अपार्ट, द थिंग इज दैट कि मैंने अपनी मॉम को बोला था कि गाजर लेके आने को, क्योंकि इट इज़ रियली गुड फॉर आइज़ और मेरी आंखें बहुत दर्द हो रही थी जब मैं बीमार हो गया था ना। अरे यार देखो ऐसा है कि मैं अभी क्वारंटाइन में हूँ क्योंकि मुझे सिम्टम्स हैं कोरोना के, और मोस्टली ये है कि भैया अपने को कोरोना हो चुका है और अभी है शायद। तो यार मैं सिर्फ इस कमरे में रहता हूँ, ठीक है, और थोड़ा हवा खाने के लिए बाहर जाते हैं। बट यार दिस इज़ टू एवरी वन हु इज़ लिसनिंग राइट नाउ, प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट गेट आउट ऑफ योर हाउस, इट इज़ वेरी रिस्की। मेरे 2 दिन में जो मेरी हालत ख़राब हुई है ना, वो सिर्फ मुझे पता है। ख़ास खास के बहुत बुरा हाल था, मैं 5 मिनट से ज़्यादा फ़ोन देख नहीं पा रहा था, लैपटॉप देख नहीं पा रहा था, कोई भी काम करना बहुत मुश्किल से हो रहा था, तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि वीकनेस इतनी ज़्यादा हो रही थी, मेरे पेपर थे, मुझे अपने एग्ज़ाम्स मिस करने पड़े। तो भैया बाहर मत निकलो, कोई काम से बाहर निकलना तो बात अलग है, मास्क लगा के जाओ, सब कुछ प्रॉपरली अपने आप को सैनिटाइज करो जब घर आए हो। और यार जो लोग अभी भी बिना काम से पार्टी करने बाहर जा रहे हैं बिना मास्क के, तो पहली बात तो मास्क और बिना मास्क के फ़र्क नहीं पड़ता, पार्टी करने बाहर जा रहे काम नहीं है, तो तुम्हारा तो यार क्या ही बोले मतलब। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे भी मतलब जब मैं सिक हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो भैया हमको ये पता चला है, आपको भी पता होगा, लेकिन यार जहाँ तक मैंने देखा है ना, मैं अभी फार्म से आया हूँ, तो ऐसा सीन है कि जो लोग शहरों में रहते हैं, जो लोग सिटीज़ में रहते हैं, वो उनको तो चलो अवेयरनेस है, बट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ देर आर पार्ट्स ऑफ इंडिया, अगर कोरोना लॉकडाउन नहीं करता ना, कोरोना आके चला भी जाता उनको पता भी नहीं चलता। सो इफ़ समवन इज़ लिसनिंग, तो भैया अपने घर पे ये ऑक्सीमीटर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कभी भी कोई भी दिक्कत हो सकती है तो उसके बाद फिर आपको ऑक्सीमीटर अरेंज करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिर सब क्वारंटाइन हो जाते हैं। आई हैव सीन केसेस कि सब क्वारंटाइन हो गया, कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई मेडिसिन का सप्लाई नहीं आ रहा, कोई चीज़ मंगवानी हो अमेज़ोन से मंगवानी पड़ती है तो इट टेक्स अराउंड अ वीक और 3-4 डेज एटलीस्ट। तो यार अपने घर पर ऑक्सीमीटर ज़रूर रखो, थर्मामीटर ज़रूर रखो, ठीक है, एंटीबायोटिक्स रखो और पैरासीटामोल रखो, विटामिन सी जिंक टैबलेट्स रखो, ये सब चीज़ें ज़रूर रखो, कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि भैया कोई पता नहीं कोरोना कैसे भी आ सकता है, भगवान चाहे कभी ज़िंदगी में किसी को ना हो, लेकिन अगर हो गया तो भैया ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स ज़रूर लेने चाहिए, विटामिन सी जिंक टैबलेट्स, एंटीबायोटिक्स, पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन अगर आपका गला गुला सब ख़राब हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें ज़रूर रखो,
इनको मतलब वो तो आप डॉक्टर से कंसर्न करके ही लेना। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि भैया जो मैं चीज़ें ले रहा था ये सब चीज़ें मैं ले रहा था क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बताई हैं। तो भैया आप अपने डॉक्टर से बात करिए, लेकिन आप ये सब चीज़ें ज़रूर रखिए क्योंकि अगर सब लोग क्वारंटाइन हो जाते घर पे तो दिक्कत ना हो। बस स्टीम लेते रहिए 2 बार दिन में 3 बार दिन में, गार्गल करिए, खुश रहिए, घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, हाथ जोड़ो, बहुत दिक्कत हो जाती है अगर आपको हो जाएगा तो। वैसे होगा कभी किसी को नहीं, अगर हो जाएगा तो भैया बचे रहिए, बाहर मत निकलिए। अगर किसी ने, बहुत सारे लोग भैया मैं जानता हूँ अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि भैया क्या हो रहा है। और मैंने जैसे आपको बताया कोरोना आके चले भी जाता ना तो उनको पता भी नहीं चलता क्या मतलब कोरोना जैसी कोई चीज़ आई थी कभी सुनी थी। तो भैया जिनको नहीं पता ये ग्राफ है, ये अभी चल रहा है, इतने केसेस मतलब ऐसे तूफानी ऊपर जा रहा है। तो भैया इसको देख के आप भी बैठ जाओ घर पे ताकि आप भी इसका शिकार होने से बच जाओ, बचे रहो, जन्नत में जा रही है। यो डिस्पोजेबल में खाना खाते हैं क्योंकि सेफ्टी इज फर्स्ट। क्वारंटाइन कोरोना गो, अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप भी डिस्पोजेबल में खाना खाइए, घर के यूटेंसिल्स मत यूज़ करिए क्योंकि फिर दूसरे लोगों को ट्रांसमिट होने में काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो के बढ़िया से चैन की नींद ले के आते फिर को मैं किताब पढ़ेंगे बाहर। इधर रख दो आप, मेरी ना दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, मेरी दूर रहो ना। मैं यहाँ कप में डाल रही हूँ। सोचो सो गाइस, रात हो चुकी है, आई एम सिटिंग एट माई डेस्क। अभी अभी हम बाहर से आए, ठीक है, शाम हो गई थी, एकदम से रात हो गई है, एंड आई एम गोना एडिट द व्लॉग। उसके बाद फिर व्लॉग को हम कल अराउंड लाइक 10-11 के लिए शेड्यूल कर देंगे। आप व्लॉग देखिए, बताइए भैया कैसा लगा है, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड बी हैप्पी गाइज। ओके, एट द एंड यही बोलूँगा, इट इज़ नॉट हाउ मच यू अर्न, इट इज़ हाउ यू अर्न द मनी। तो भैया दिस बाय गैरी वी, एंड आई वॉन्ट फॉलो दिस होल माई लाइफ एंड आई रियली बिलीव इन दिस। तो भैया बी हैप्पी, जो भी लोग आसपास हैं खुश रहो, खुश रखो, जिंदगी सही रहेगी। तो भैया शुक्रिया, सत श्री अकाल, ब्लॉग में मिलते हैं अगले।